नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और आज की ये रिपोर्ट मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बिना कुछ जाने, बिना सच्चाई से वाकिफ हुए, बिना अपने घर से बाहर निकले और बिना अपनी प्रिविलेज से बाहर निकले 16, 17, 18 साल के बच्चों पर, छात्रों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप बहाने बना रहे हैं। आपके यहाँ बाढ़ आई है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप लोग बहाने बना रहे हैं कि आपके घर में इंटरनेट नहीं है, आप लोग लॉजिस्टिक्स का बहाना बना रहे हैं, आप लोग कोविड का बहाना बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनके पास प्रिविलेज के नाम पर इस तरह की प्रिविलेज है कि वो जब चाहे तो मुख्यमंत्री तक से अगर किसी तरह की मदद लेनी हो तो यूं ले लेंगे, जिनको अपने घर से बाहर निकलते के साथ ही एक गाड़ी मिल जाती है, साफ सुथरी सड़कें मिल जाती हैं, सड़क पे पानी नहीं मिलता है, कोविड का डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना पैसा है कि आप अगर इन्फेक्टेड हो भी गए तो आप बहुत अच्छे से इलाज करा पाएंगे, जिनके पास प्रिविलेज के नाम पे हर तरह की चीज है, और तो और जिनके शायद राज्यों में ना ही लॉकडाउन का इश्यू है, जिनके पास ना ही बाढ़ जैसा कोई खतरा है, जिनका सेंटर शायद 500 किलोमीटर दूर भी नहीं है, उनके लिए आज मैं ये रिपोर्ट बना रही हूँ। आप साफ तौर पर ये देख लीजिए और सुन लीजिए। मैंने अभिषेक से बात की, मैं अभिषेक को नहीं जानती थी। अभिषेक मेरे साथ मेरे लाइव के दौरान उसी वक्त जुड़े, बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके घर के आसपास, जो कि छपरा, बिहार के छपरा में रहने वाले हैं, उनके घर के चारों तरफ 15 दिन से बाढ़ की वजह से तालाब बना हुआ है और उसमें अगर पानी में वो ऐसे ही उतर गए तो वो डूब भी सकते हैं। सड़क कम से कम 1 से 2 किलोमीटर आगे की तरफ है और वहां से उनको पार करना है। प्रशासन वोट मांगने के लिए, सरकार वोट मांगने के लिए तो आ जाती है, लेकिन वोट देने के लिए कोई नहीं आया। अब आप सोचिए, अभिषेक की पहले पूरी हालत देखिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से वो शख्स अभी पढ़ाई करे, परीक्षा की तैयारी करे या फिर बोट बनाने के बारे में सोचे और परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचे जो कि 200-250 किलोमीटर दूर है, उसके बारे में चिंता करे। जरा अभिषेक की बात उन्हीं की जुबानी देख लीजिए आप। मतलब मेरे घर के बगल में पूरा पानी वानी सब लगा हुआ है अभी भी। आप अभी दिखा सकते हैं मुझे? आपका अगर कैमरा उधर जा सकता है, कैन यू प्लीज शो दैट टू अस लाइव? ओके, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, प्लीज दिखाइए। खिड़की के बाहर अपना या थोड़ा सा नीचे तक भी जा सकते हैं, तो एक बार दिखाइए आज। ये मैम आप देख सकते हो, पूरा सामने पूरा पानी है, आप देखो। ये आपके घर के बाहर का है? जी मैम, दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। ये पूरा आगे 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 मैम पेड़ है इसलिए पूरा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन पूरा आगे तक बहुत पानी है अंदर तक। तो आप लोग पूरा मतलब बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग तो रोड पे नहीं जा पा रहे हैं ना मैम, ये पूरा पानी है, घर में ही रह रहे हैं। रोड यहाँ से कितनी दूरी पर है अभिषेक? रोड मैम 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो पानी आप दिखा रहे हैं ये आपके घर के चारों तरफ है और यही रास्ता है? चारों तरफ, ये सामने ही है। हम लोग, मेरा घर ये रहा, ये रहा और ये सामने पूरा पानी। अरे बाप, आप कहाँ रहते हैं अभिषेक, कौन सी जगह है? मैं छपरा में हूँ मैम। छपरा में आप हैं और ये स्थिति, और ये कितने दिन से इसी तरह की कंडीशन है वहाँ पे? ये मैम एटलीस्ट 10 या 15 दिन से है, ज्यादा ही हो गया मैम, 20 दिन भी मान सकते हो आप। 20 दिन से यही हालत है वहाँ पे? बिल्कुल मैम, और कोई कुछ नहीं। आप लोगों के पास जो सामान है ये सब चीजें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं? खाने पीने का सामान और सारी चीजें, कोई व्यवस्था, किसी को अस्पताल ही जाना पड़ जाए मान लीजिए, कैसे जाएंगे वो? मैं अब जैसे तैसे जा रहे हैं, अब तो जो जरूरी का सामान है वो तो लाना ही पड़ेगा, जैसे तैसे पानी में अब अंदर इसी रास्ते से जाएंगे, पानी में अंदर जाएंगे, फिर जैसे तैसे जाएंगे आगे। बोट बनाए थे अपना, ये उस टाइप का नॉर्मली जा रहे हैं। ओह माय गॉड, तो आप अपने आप से, नाव की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी नहीं है, अपने आप ही नाव बनाई आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल। कितना क्या पानी है, कितनी, मतलब ये जो नदी टाइप बन गई है, ये तालाब बन गया है, ये कितनी दूरी पर है? ये जहाँ मैम जहाँ तक रोड आती है ना आगे, हाँ, वहाँ तक पूरी। और मैम आप देख सकते हो बच्चे लोग वहाँ पे, आपको दिख रहा है तो तालाब कितना चौड़ा है, तो कितने डिस्टेंस पर होगा? तालाब तो मैम बहुत चौड़ा है। अच्छा हाँ,
थोड़ा सा और पास जाएंगे आप? आज जी बिल्कुल, मैं देख, एक्चुअली मैं बैक कैमरा नहीं हो रहा है, पता नहीं बैक कैमरा कैसे आएगा इसका। कोई बात नहीं आप, अरे हाँ ये तो बहुत दूर तक है, और ये पूरा आप बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर जहाँ पर जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा पेड़ की वजह से, वहाँ पूरा पानी ही भरा हुआ, पूरा पानी है मैम अंदर, वो आप डूब सकते हैं, इतना है पानी इतना पानी है जी। बिल्कुल। और देखिए बच्चे, अभिषेक आपकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपके आपने अपने दोस्त की प्रॉब्लम बताई, विकास की जो रोड पर है उसकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उनको प्लीज उनका और नंबर मैम मुझे वो कम कम से कम से भेज दीजिएगा बिल्कुल जी। बिल्कुल, और वो 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बहुत बहुत मतलब डिप्रेशन में है वो, कुछ नहीं कर पा रहा। और आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? आपके पेरेंट्स साथ रहते हैं यहीं पे? जी मैम बिल्कुल, पेरेंट्स साथ रहते हैं। तो अभिषेक तब तक आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, जरा पेरेंट्स से भी मेरी बात कराइए, और मैं इस बीच में बाकी स्टूडेंट से बात करती हूँ। आप स्टूडियो अभी मत अब छोड़िएगा अभी, ओके मैम, अभी अभी है तो घर में एक्चुअली मैम है? अभी पापा मम्मी तो है नहीं, ओके अभी ठीक मतलब है किसी काम से वो बाहर गए हैं, वही ठीक है, कोई बोट वोट बात से नहीं। मतलब जी। अच्छा बोट वगैरह का इंतजाम करने गए हैं, हाँ, वहाँ आप देख सकते हैं बच्चे लोग तो बोट कैसे बना रहे हैं, बनाते हो आपको बोट, अगर कैसे बनाते हो आप अभिषेक? 1 मिनट मैम दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए दिखाइए तो, दिखाइए, बच्चे लोग बोट बना रहे हैं अभी, छोटे प्लीज छोटे दिखाइए बच्चे। मुझे। बाकी सब स्टूडेंट से प्लीज मैं गुजारिश करना चाहूंगी थोड़ी देर वेट कीजिए, अभिषेक की जो प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ये इस वक्त ये आपको पढ़ाई के स्ट्रेस में है, आप साथ ही आपको कैसे निकले यहाँ से दिख रहा उसके है मैम, स्ट्रेस में। पूरी पूरी फ्लड हाँ आपको दिख रही है, पानी दिख रही है। पूरा, हाँ हाँ काई भी जमी हुई है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ और बच्चे बोट बना रहे हैं, यहाँ पे सूखी हुई है, बोट बना रहे हैं बच्चे। ओ तो ये बच्चे कौन है जो बोट बना रहे हैं अभिषेक? ये मैम गांव के ही हैं, मतलब अगल बगल के ही हैं तो मतलब ये अपने आप अपने लिए बोट बना रहे हैं या इनसे जी सब मैम, लोग बिल्कुल बोल रहे खुद हैं से बोट बोट बना रहे बना हैं? रहे हैं। अच्छा तो इन लोगों को सारे सामान कहाँ से मिलता है? ये जैसे तैसे मतलब अरेंज कर रहे हैं खुद से। मतलब क्या ये क्या क्या सामान है, जरा थोड़ा एक बार फिर से दिखाइए वहां पर। यहाँ मैम ये फोम है, फोम का है, फोम का ये अच्छा थर्मोकोल फोम से रहता है बोट ना बना वो, रहे हैं? हाँ जी हाँ 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 थर्मोकोल टाइप का, जिसमें मछली वछली लोग रहती हैं, रखते हैं तो ये उसमें, जरा बच्चों से एक बार बात कराइए आप, और ये बम्बू का। अभिषेक जरा बच्चों से बात कराइए आप। कोई नहीं आप अपने साथ ही फ्रेम में ले लीजिए। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार अंकित, आप ये बोट कैसे बना रहे हैं और कितना समय लगता है इसको बनाने में? 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा लगता है आपको एक बोट बनाने में? जी और इसका सामान आप कहाँ से लेकर आते हैं? खरीद का जो मछली का फोम रहता है ना, मछली रखा जाता है उसी उसी फोम का बना रहे हैं, ऊपर से बांस काट के, हाँ बांस काट के ऊपर से बांध के, नीचे से बांध कर फिर बना ले रहे हैं। तो ये बोट कितने दिन चल जाती है आपकी? 2 दिन ना, मतलब बड़ियार बन जाएगा तो मतलब महीना भी चल सकती है पानी नहीं घुसता इसके अंदर? ना, पानी मतलब घुसती है ये जो है ना, इसके अंदर भी मतलब फोम काट के या भरा हुआ है। कोई बनी बनाई बोट है जिसमें आप लोग जाकर एक बार मुझे दिखा सकते हैं कि ये सुरक्षित भी है कि नहीं है? ना नहीं है, यहाँ पर नहीं है बनी बनाई बोट नहीं है अभी कोई आपके पास? ना, सरकार जैसे यहाँ सरकार मतलब यहाँ नहीं दी है अभी। नहीं, आप जैसे ये बोट बना रहे हैं ऐसी ही कोई बोट आपके ये आपकी तरफ से पहले से बनी हुई है? ना पहले से बनी नहीं हुई है, हम लोग मतलब प्रोफेशनल बना रहे हैं इसी को मैम, ये लोग रिपेयर कर ये रहा, वाली बोट तैयार है क्या? इसी को मैम फिर से ये रिपेयर कर रहे हैं, ये तो तैयार तो है ही, मतलब अभी ओ पानी में अच्छा जा है, सकता है ये, अभी नहीं जा अभी सकता है, रिपेयर नहीं अभी हुआ, रिपेयर नहीं हुआ अच्छे से, मतलब पानी में भी ले जा सकते हैं अभी इसको, इसको पानी में ये आप थोड़ी रिपेयर देर हो बाद जाएगा, ले बढ़िया से हो जाएगा तो फिर पानी में ले जाके चला सकते हैं, कुछ देर तो बाद पानी में कितनी ले जा सकते हैं, कितनी देर में तैयार हो जाएगी ये बोट? 1 घंटा लगेगा।
एक घंटे लगेंगे। एक घंटे बाद अभिषेक 2 बजे के मेरे सेशन में दोबारा जुड़िएगा आप, ठीक है? ओके मैम। ये आज ये दिखाना जरूरी है क्योंकि सबको लग रहा है ना कि तरह तरह की जबरदस्ती बहानेबाजी हो रही है कि बाढ़ तो हर साल ही आती है, तो बाढ़ हर साल ही आती है तो छोड़ दिया कि अपने आप ही वोट भी है ना, तो ये सब दिखाना जरूरी है। तो आपने अभिषेक के साथ मेरी पूरी बातचीत सुनी। आप वो लोग हो सकते हैं जो अपने घरों में बैठकर कि क्या है नीट और जेई के छात्रों को इतना क्यों पोस्टपोन कराने को लेकर हो रहा है, इन लोगों की तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो आपको मैं जरा बता दूं, इन बच्चों की तैयारी तो फरवरी में ही पूरी हो जाती है। ये अपने एग्जाम जो कि पहले इनका स्केड्यूल्ड था मई के महीने में, उससे कम से कम 2 महीने पहले से मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब केसेस कम थे, आप अगर मई में इनके एग्जाम करा देते तो शायद इतनी समस्या ही नहीं होती। लेकिन उस वक्त आपको लग रहा था नहीं जी कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है। आज जब इन बच्चों को लग रहा है कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बाढ़ और बारिश के समय पे कहां पे परीक्षा होती है जरा बताइए। आपने मई का समय इसलिए लिया था ना क्योंकि तब बाढ़ जैसी हालत कहीं पर नहीं होती है। अब आपने जब उसको पोस्टपोन करके ऐसा समय दे दिया है, तब बाढ़ आई हुई है कितनी जगहों पर, कितने लोगों का सेंटर जो है, आप कह रहे हैं सरकार एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने उनको नियरेस्ट सेंटर का पूरा भरोसा दिया था और नियरेस्ट सेंटर के लिए हमारे पास जितने आवेदन आए हमने उनको दे दिए। लेकिन नियरेस्ट की डेफिनेशन क्या है आपकी? नियरेस्ट क्या होता है? किसी किसी के लिए वो जो नियरेस्ट सेंटर आप बोल रहे हैं ना अपने डायरीज में, अपने पर्चों में और अपनी किताबों में और अपने पेपर्स में, वो उनके लिए 500 किलोमीटर है। डू यू अंडरस्टैंड 500 किलोमीटर क्या नियरेस्ट होता है? मैं दिल्ली में अगर हूं, मैं हिमाचल प्रदेश जा रही हूं अपना एग्जाम देने के लिए, 500 किलोमीटर का मतलब ये हुआ, इज दैट द नियरेस्ट सेंटर फॉर मी? आप बस इतना कीजिए, समर्थन नहीं कर सकते ना किसी का, मत कीजिए, किसी को नहीं चाहिए आपका समर्थन, लेकिन आंख बंद करके अपने स्वार्थ के पूरे रूप में ढक कर अपने आप को, दूसरों की खिल्ली उड़ाना, उनके ऊपर ये आरोप लगाना बंद कीजिए कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर चुके हैं। तैयारी सबकी पूरी है, वो अपने परिवार के बारे में और कैसे केंद्र तक पहुंचेंगे इसका खतरा है, और साथ ही उनका एक साल इस वजह से भी बर्बाद हो जाएगा और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इस बात का उनको खतरा और डर लगा हुआ है। अगर समर्थन नहीं कर सकते, कम से कम ये कर लीजिए। सत्यमेव जयते।